बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5 पढ़ेंगे कि कोई भी गिवन नंबर 5 पे कब डिवाइड हो सकता है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। ये रूल पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर 5 पे कब डिवाइड होगा। तो आइए जी देखें, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट इज़ 0 आर 5। कोई भी नंबर 5 पे कब और सिर्फ कब डिवाइड हो सकता है, जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूँ 140 ले लें, तो इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो अंडरस्टूड बात है कि पूरा का पूरा नंबर 5 पे डिवाइड होगा। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल देख लें, 175 ले लें, तो लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर किस पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5 पे कुछ और एग्जांपल हैं, देख लें। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो हमने क्या पढ़ा कि लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो या 0। तो पहला क्वेश्चन है 0, तो ये डिवाइड होगा कि नहीं। 380 इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो इसलिए नंबर 5 पे डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये भी 5 पे डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट 7 है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये डिवाइड हो सकता है। और इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये भी पूरा का पूरा नंबर 5 पे डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 था।